मित्रों, आज आपको हम विदुर जी और विदुरानी की कथा सुनाते हैं। श्री विदुर जी धर्मराज जी के अवतार थे। मांडव्य ऋषि के शाप के कारण धर्मराज को विदुर रूप में दासी के गर्भ से अवतार लेकर धृतराष्ट्र तथा पांडु का भाई होना पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति भावना अन्य अन्य थी। श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर संधि का संदेश लेकर कुरुराज दुर्योधन से मिलने गए थे। दुर्योधन जानता था कि पांडवों पर श्री कृष्ण का बहुत बड़ा प्रभाव है, अतः नीति के अनुसार उसने श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए सारे नगर को तरह तरह से सजवाया और भांति भांति के व्यंजन भोजन के लिए उनके सामने प्रस्तुत किए। श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखा भी नहीं और विदुर जी के यहाँ आतिथ्य ग्रहण किया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के दरवाजे पर पहुंचे, उस समय उनकी स्त्री स्नान कर रही थी। आते ही श्री कृष्ण ने बाहर से आवाज लगाई। विदुरानी ने सुनते ही श्री कृष्ण की आवाज पहचान ली और शुद्ध बुद्ध भूल गई, जैसे उस स्वर में कोई आकर्षण हो। वस्त्र पहने बिना ही वह ज्यों की त्यों दौड़ाई और किवार खोलकर भगवान के दर्शन किए। भगवान ने जब उनका यह हाल देखा तो झट से कमर से लिपटा हुआ पीताम्बर उनके शरीर पर डाल दिया। अब विदुरानी को होश आया, वह बड़ी लज्जित हुई और जल्दी ही अंदर जाकर कपड़े पहन आई। इसके अनंतर वह श्री कृष्ण के पास आकर बैठ गई और खिलाने के लिए लाए हुए थे केलों को छिल छिल कर प्रेम में बेसुध होने के कारण गुदे के स्थान पर छिल के खिलाने लगी। इतने में पतिदेव श्री विदुर जी भी आ गए। उन्होंने यह दृश्य देखा तो अपनी पत्नी पर बहुत झल्लाए। विदुरानी को जब अपनी भूल मालूम हुई तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। प्रेमाधिक्य के कारण पत्नी से हुई भूल को विचार कर श्री विदुर जी भगवान को केले के गूदे खिलाने लगे। अब उनके हृदय को शांति मिली। फिर भी बार बार यही सोचते रहे कि इस स्त्री ने छिलका खिलाकर भगवान को बड़ा कष्ट दिया। इस पर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि विदुर जी, आपने यह काम ठीक किया कि मुझे केले खिलाए, पर सच बात तो यह है कि इतने पर भी जैसा स्वाद उन छिलकों में मिला था वैसा इन केलों के गुदों में कहाँ। उधर श्री विदुरानी अपने मन में कह रही थी, हाय, इन हाथों को मैं कैसे काट डालूं जिन्होंने गुदा तो फेंक दिया और छिलका खिला दिया। धन्य है विदुर विदुरानी और धन्य है उनकी भक्ति। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।